नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बेस मेटल की, क्योंकि मेटल की कीमतों में जबरदस्त तेजी है। कॉपर और एल्युमिनियम के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। कॉपर ने आज 767 रुपए का नया हाई बनाया है, तो एल्युमिनियम ने 196 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। जबरदस्त तेजी है, तो क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी या तेजी पूरी हो चुकी है? फंडामेंटल क्या है मार्केट के, सबसे पहले ये समझते हैं। और फंडामेंटल बताने के लिए हमारे साथ संजय भाटिया हैं, प्रेसिडेंट हैं मेटल कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ सचिन गुप्ता हैं, चॉइस ब्रोकिंग के, ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर हैं और टेक्निकल एनालिस्ट अखिलेश जैन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या वाकई बेस मेटल के, खास करके कॉपर के, एल्युमिनियम के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और अभी और तेजी बाकी है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कॉपर और एल्युमिनियम की बात करी है, मैं जो आज प्रतिनिधि हूँ वो मेटल कंटेनर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जो टिन प्लेट से संबंध रखती है, पर कॉपर वायर और एल्युमिनियम भी हम यूज करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए एक जनरल जो आज इंडस्ट्री के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जो जितने प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, राइजिंग प्राइसेस जो हो रहे हैं हर एक आइटम के, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग किस ढंग से करें, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। हम यूजर इंडस्ट्री से हैं, हम ये कॉपर और एल्युमिनियम प्रोड्यूस नहीं करते, हम उसको अपने प्रयोग में लाते हैं। और इसी तरह टिन प्लेट जो एक हमारा रॉ मटेरियल है, जिससे हम टिन के कंटेनर्स बनाते हैं, तो वो हमारा जो रॉ मटेरियल है, तो वो हम यूज करते हैं, जो बेस जिसका स्टील है। तो स्टील प्राइसेस भी उसी ढंग से बढ़ रही हैं। अब टिन प्लेट जो आइटम है जिसको हम यूज करते हैं, वो करीबन 40% के करीब उसमें एक तरह से प्राइसेस बढ़ चुकी हैं पिछले 4-5 महीने में। तो इंडस्ट्री के लिए संजय जी इंडस्ट्री को क्या दिक्कत है, क्या चुनौती है, ये दर्द आपका मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं, चूंकि आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो आपको ये अंदाजा तो होगा ना सर कि आगे दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? देखिए, अभी जो नजर आ रहा है, जो ट्रेंड्स हैं, वो और प्राइसेस बढ़ने के ट्रेंड की तरफ नजर आ रहा है। और जो एक बहुत यूजर इंडस्ट्री के लिए बहुत दिक्कत की चीज है, वो प्राइस ट्रेंड्स तो ऊपर के ही नजर आ रहे हैं इंडिया में। कितनी तेजी आपको दिख रही है यहाँ से? मैंने आपको बताया जी, जैसे 40% तो बढ़ गया पीछे अभी 4-5 महीने में। तो हम ये समझते हैं, मुझे ऐसा जो फीडबैक हम लोगों के पास जो फीडबैक है, अभी करीबन 7-8% के करीब और बढ़ सकता है। तो अच्छा, 7-8% करीब और बढ़ सकता है। अच्छा, 7-8% बढ़ने के बाद क्या कुछ गिरेंगे दाम? हाँ जी, करेक्शन तो आएगी, ये कोई ऐसा परमानेंट ट्रेंड तो है नहीं कि भाई ऐसी करेक्शन नहीं आएगी इसमें, करेक्शन तो आनी चाहिए, आगे जाके इसकी जरूर करेक्शन आएगी। और जो सही लेवल है, एक जो कॉस्ट बेस का लेवल है, उस लेवल के हिसाब से कॉस्ट प्लस जो एक लेवल होता है उसके ऊपर जाना चाहिए। बट उसमें अभी कितने समय में आएगा ये तो कहना मुश्किल है, पर वो आएगा। पर इस दौरान में जो दिक्कत है, वो भी मैं आपके चैनल के थ्रू जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, हालांकि आप उसमें अभी मुझे बोल रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, बट ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि आज हमारी इंडस्ट्री में दो इश्यूज हैं। एक तो जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वो इशू है, और दूसरा अवेलेबिलिटी का इशू है, जो आज गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से कुछ BIS स्टैंडर्ड्स लगाए गए हैं। तो उसकी वजह से आज एक तरफ जो है वो BIS स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल हमारा इंपोर्ट है, हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई गैप है, इंडस्ट्री बाहर से इंपोर्ट करती है। अब वो जो इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है, जब तक वो BIS क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम में ये ट्रेवल नहीं कर सकते BIS, बाहर के लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है और बाहर की मिल्स इंडिया में मटेरियल नहीं दे पा रही हैं।
तो इंडस्ट्री इस टाइम बहुत एक डिफिकल्ट टाइम में गुजर रही है कि भाई आज जो डिमांड और सप्लाई गैप है वो बहुत ज्यादा है और वो लोकल इंडस्ट्री बता रहे हैं संजय जी। नहीं, आप जो दिक्कत बता रहे हैं, जो तकलीफ बता रहे हैं इंडस्ट्री की, इसका उपाय क्या है, इस तकलीफ से बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो दाम बढ़ रहे हैं, जो सप्लाई का शॉर्टेज है, आप कह रहे हैं कि माल नहीं मिल रहा है, तो क्या चाहते हैं आप सर, क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? अभी ये ऐसा है जी कि दो चीजें हैं, एक तो सप्लाई जो शॉर्टफॉल है वो तो है ही है, और प्राइसेस बढ़ रही हैं वो दूसरा है। अब इसका जो तरीका है वो तो यही है कि अगर या तो आज BIS रजिस्ट्रेशन बाहर की मिल्स लेना चाह रही हैं और इसलिए नहीं दे उनको मिल सकता कि मेरे BIS अथॉरिटीज आज बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती, उनकी मिल सर्टिफाई नहीं कर सकती। तो मेरा ये है कि हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप मार्च 2022 तक अभी इसको रिलैक्स करिए, जो उन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए किया है, जो अभी जुलाई तक किया है सिर्फ। तो हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि मार्च 22 तक करिए ताकि हमें मटेरियल मिलता रहे। देखिए एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी इंडस्ट्री एसेंशियल गुड्स में आती है, हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री है और ये एसेंशियल कमोडिटी, हम सारी एसेंशियल कमोडिटीज इसमें पैक करी जाती है। तो इसलिए ये इसकी महत्ता को देखते हुए, एक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये जरूरी है कि इतना समय इंडस्ट्री को दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमें मटेरियल मिले, ठीक है, हमें मटेरियल जितना चाहिए वो मिले। जी ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाटिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन अखिलेश जैन साहब, आप जरा बताएं कि टेक्निकल चार्ट पर अभी आपको कॉपर का और एल्युमिनियम का प्राइस क्या लग रहा है? टेक्निकली ये मार्केट क्या ट्रेड के लिए अभी रेडी है या अभी होल्ड करना चाहिए? अच्छा, लगता है अखिलेश जैन से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। यही सवाल राजीव जी मेरा आपसे होगा, टेक्निकल चार्ट पे कॉपर का और एल्युमिनियम का प्राइस आपको क्या दिख रहा है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, देखिए कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही टेक्निकली अभी तक अच्छे लग रहे हैं, स्ट्रांग ट्रेंड में अपसाइड में। आज हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा जुड़ूंगा आपसे। जी, सचिन जी आप बताएं आपका क्या व्यू है कॉपर पे और एल्युमिनियम पे, आज के लिए कोई ट्रेड है क्या इन दोनों काउंटर में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, जी बिल्कुल, दोनों ही काउंटर की अगर बात करें तो एक अच्छी तेजी जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है और अभी भी जो रुझान है वो तेजी की नजर आ रहे हैं। आज के ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से जो है कॉपर में एक बाइंग कॉल यहां से हम रिकमेंड करना चाहेंगे अराउंड 764 से मई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हालांकि ये कॉल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 758 का और अप साइड में हमें लगता है एक बार 775 तक के टारगेट जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अखिलेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जैन, ओवरऑल मेटल मार्केट पर क्या व्यू है आपका अखिलेश जी, और सबसे अट्रैक्टिव काउंटर आपको बेस मेटल में अभी ट्रेडिंग के लिहाज से कौन सा दिख रहा है? धन्यवाद मित्र जी, मुझे अभी बेस मेटल शॉर्ट टर्म में अभी ठीक ही लग रहा है, इसमें आप कॉपर में बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। मई वायदा जो 757 के आसपास चल रहा है, इसमें 760 के ऊपर बाइंग करें, स्टॉप लॉस आप 756 का लगा सकते हैं। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे 770-772 तक लगता है ये ट्रेडिंग। अच्छा, और इसके अलावा और कोई काउंटर बेस मेटल में जो आपको लगता हो कि ठीक है ट्रेड में अभी? बेस मेटल में निकल देख सकते हैं, हालांकि कॉपर पे ही बैट करें तो इट्स गुड, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये राय है आपकी मेटल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड का मार्केट अभी जिस तरह से एक रेंज का ट्रेड गोल्ड में दिख रहा है, गोल्ड पर राजीव जी आपका क्या नया आउटलुक है और आज के लिए किस तरह का ट्रेड आप गोल्ड में देख रहे हैं शाम के कारोबार में? लगता है हमारा संपर्क राजीव जी से नहीं हो पा रहा है। राजीव जी आप सुन पा रहे हैं सर? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप बताएं सचिन जी गोल्ड में अभी क्या किया जाए, 42 रुपए नीचे है 47,400 के आसपास, किस तरह का ट्रेड लिया जाए इस भाव पर गोल्ड में?
प्रत्युंजय जी, अगर आज गोल्ड का ओवरऑल लाइक अप्स डाउन का मोमेंटम देखा जाए तो एक रेंज में ही जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और हमें लगता है एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी गोल्ड के अंदर फॉलो की जा सकती है। तो डाउन साइड में अगर प्राइजेस 47,370 के आसपास में मिलते हैं तो वहां से बाइंग पोजिशन इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक स्टॉप लॉस 47,200 का, और हायर साइड में हमें लगता है एक बार 47,600-650 तक के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। ओके अखिलेश जैन जी, टेक्निकली आपको गोल्ड का मार्केट क्या लग रहा है अभी? क्या 47,400 पर बाइंग करना ठीक है? अपसाइड पोटेंशियल अभी आपको दिख रहा है इस काउंटर में? बिल्कुल, ट्रेडिंग के हिसाब से अभी चार्ट को देखें तो रेंज बाउंड ही लग रहा है मार्केट। 47,400 के नीचे इसमें बिल्कुल बाय करना चाहिए। 250 के इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप, और 650-700 तक लगता है। अभी बड़ा सीमित कारोबार दिख रहा है अभी गोल्ड के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं गोल्ड के अंदर आपको रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है, इस पर आप नजर रखें। चांदी पर सचिन जी, क्या आउटलुक है आपका? चांदी में अभी कुछ है ट्रेडिंग की गुंजाइश या दूर रहा जाए इस काउंटर से अभी? प्रतिजय जी, चांदी के अंदर भी जो है पोटेंशियल नजर आ रहा है। आज के ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक डिप मिलता है करीब 100-150 पॉइंट का, करीब 68,600-68,550 के आसपास में प्राइस मिलता है, तो वहां से बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस रहेगा 68,150 का, और हायर साइड में हमें लगता है एक बार 69,400-69,500 तक के टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी चांदी पर है। चांदी पर आपका टेक्निकल व्यू क्या है अखिलेश जी? हेलो जी, बोलें। हाँ, चांदी भी गोल्ड के जैसे अभी एक रेंज में ही काम करता लग रहा है, ऊपर में 68,900 और नीचे 68,300। अगर प्राइजेस को कोई भी करेक्शन मिलता है 68,400 के पास तक अगर भाव आते हैं तो डेफिनेटली वहां पे बाय करना चाहिए। इसका स्ट्रिक्ट आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 67,850 का। अपसाइड मुझे पोटेंशियल लगता है कि ये प्राइजेस 69,600 तक आ सकते हैं, बट इसमें क्वांटिटी या जो भी आपको मोमेंटम लेना है वो 68,900 के ऊपर ही ले आप। ओके, ठीक है, तो आप बने रहे हमारे साथ। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। कैलाश चंद्र मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, एल्युमिनियम और लेड में अप्रोक्सीमेट अपर लिमिट क्या हो सकती है बताने अगर करें, और पोजीशन क्या बनाई जाए? एल्युमिनियम और लेड में बताइए क्या स्ट्रेटेजी अभी बनानी ठीक है, क्योंकि दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर एक मजबूत प्लानिंग की जाए ट्रेडिंग की तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए सचिन जी, बताइए। मृत्युंजय जी, ऑलरेडी प्राइसेस काफी अपसाइड में आ चुके हैं, हमें लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग जो है इन लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। तो एक अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय साइड में ही रहना चाहिए, एक डिप का वेट करना चाहिए। डाउन साइड में अराउंड 190-188 के आसपास में पोजीशंस आते हैं, लेवल्स मिलते हैं, तो वहां से एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 185 के बिलो का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में वापस से जो रेंज है वो 195-197 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है राजीव गुप्ता का, पूछिए राजीव गुप्ता जी। अच्छा, रामजी प्रसाद इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, पूछिए राम जी। हेलो जी, सुन रहा हूँ सर, पूछें। सर, ये मतलब चने में क्या लग रहा है, 8-10 हज़ार रुपये बिक सकते हैं क्या? 8-10 हज़ार, बताइए अखिलेश जी, चने पर क्या व्यू है आपका? चना अभी ऐसा काफी डाइसी लग रहा है मुझे। अगर आपका कोई लॉन्ग पोजीशन है तो इसमें 5,500 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ऊपर में मुझे 5,650-5,700 तक लग रहा है, उसके ऊपर नहीं लग रहा। वहां पे अगर मिलता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। 5,500 का स्टिक स्टॉक हो सकती है, ये जून वायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, ये जून वायदा के लिए आपका व्यू है, तो इस पर आप नजर रखें कि आपको अभी करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं, क्रूड की बात करते हैं। राजीव जी, क्रूड पर आपका व्यू क्या है, कच्चे तेल में भी क्या करना चाहिए? हेलो
राजीव जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप बताएं जरा सचिन जी, क्रूड का मार्केट अभी कैसा लग रहा है? मतंजी जी, अगर क्रूड की बात करें तो लास्ट थ्री डेज से जो है मोमेंटम करीब 100 से 150 पॉइंट के बीच में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हायर साइड में 4700 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है और वहीं कहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास से जो है हर बार से जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अगर आज ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हमें लगता है एक बार क्रूड में शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकते हैं करीब 4665 के आसपास से। हायर साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 4720 का और डाउन साइड में 4570-4580 तक के टारगेट जो है वो क्रूड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्री में सोयाबीन की। सोयाबीन में दो तीन दिन की भारी गिरावट के बाद आज जबरदस्त रिकवरी आई है और 300 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ सोयाबीन का वायदा बंद हुआ है 7150 के ऊपर, करीब करीब 4.5% की तेजी। तो अखिलेश जी, क्या सोयाबीन में अभी और तेजी बढ़ सकती है, क्या लगता है आपको? दो दिन से मोमेंटम देखा और काफी एकदम से मंदी आई बाजार के अंदर, आज एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने की मिली नीचे के लेवल से। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें 2 से 3 दिन की, तो ये मोमेंटम मुझे लग रहा है कि अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। आज जून वायदा 6950 पे बंद है। इस ट्रेड को आप 6885 के स्टॉप लॉस से फ्रेश भी ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मुझे ऊपर में ये 7225-7250 के आसपास पसंद है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये आउटलुक है मेरा। अच्छा अच्छा मस्टर्ड पर क्या व्यू है आपका अखिलेश जी? मस्टर्ड में भी बहुत तूफानी तेजी आज दिखी है, सरसों में भी यही चाल रहेगी क्या? बिल्कुल, इसमें ये मोमेंटम अभी लग रहा है कि एक दो दिन अभी मेंटेन रहना चाहिए। कोई भी अगर करेक्शन आता है यहाँ पे, अगेन जून वायदे की बात कर रहा हूँ, 7110 के आसपास इसका बंद है। यहाँ पे डिप्स पे आप बाय करिए, 7015 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखिए। इसमें भी मुझे 7250 के ऊपर एक बार आते लगते हैं प्राइस। ओके, चलिए अगला सवाल है आशुतोष मोदी का, पूछिए आशुतोष जी। नहीं सर, सर सिल्वर में करंट रेट पे क्या करना चाहिए सर, लॉन्ग या शॉर्ट? चांदी में करंट रेट पर क्या करना चाहिए बताइए सचिन जी, बिल्कुल ताजा भाव पर सिल्वर में क्या किया जाए, खरीदा जाए या बेचा जाए? प्रतिंजय जी, बिल्कुल करंट रेट पे बाय पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। 68,150 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, अपसाइड में 69,500 और 69,600 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राजीव का, अगला सवाल है सचिन का, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए सचिन जी। सर चने में लॉन्ग टर्म क्या लगता है अगस्त तक? मेरे पास फिजिकल में स्टॉक पड़ा है। लॉन्ग टर्म चने के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है आपका चने के ऊपर? मृत्युंजय जी मैं एक बार माफी चाहूंगा, मेरा कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गया था बीच में, उसके लिए काफी असुविधा हुई आप सब लोगों को। चने का जहां तक सवाल है, चने में मुझे लगता है मृत्युंजय जी जो एक करेक्शन आया है 5800 से और अब ये जो भाव 5200 का लो टच करके अब 5300 के आसपास है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म तो अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए एग्री कमोडिटीज में, अभी सिर्फ मोमेंटम प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है वापस मोमेंटम अपसाइड का बनेगा और एक बार दाम 5500 के दाम को छू सकते हैं चने के, तो चने में खरीदारी करनी चाहिए अराउंड 5300 पोजीशन बेस पर और स्टॉप लॉस रखना चाहिए मृत्युंजय जी 5200 के नीचे। ओके ठीक है, नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको सचिन जी कैसा लग रहा है और आज के लिए कोई ट्रेड है क्या उसमें? बिल्कुल मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें लगता है एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है मे कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमें लगता है बाय पोजीशंस बन सकते हैं करीब 216 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहां से एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रखना होगा 211 का और हायर साइड में एक बार 225-226 तक के टारगेट्स नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है भगवान सिंह का, राजस्थान से हमारे साथ हैं, पूछिए सिंह साहब। सर मेरा सवाल नेचुरल गैस मई वायदा पे है, मैंने शॉर्ट कर रखा है 210 रुपए में, क्या करना चाहिए, होल्ड करें काफी दिन तक?
बताइए राजीव जी क्या करें। मृत्युंजय जी देखिए, नेचुरल गैस 210 रुपए का एक अच्छा रेसिस्टेंस था जिसको आज बाजार ने तोड़ा है ऊपर में। जैसा कि बाकी विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि नेचुरल गैस में ऊपर की तेजी आ सकती है, हमें भी तकनीकी तौर पे लगता है कि बाजार जो है ऊपर में 215-220 के स्तर को छू सकता है। यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का बन गया है, तो हमारी राय में अगर 207 के आसपास दाम आए तो वहाँ अपना शॉर्ट पोजिशन काट लें और वहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं और उसमें स्टॉप लॉस रखें, 204 रुपये का टारगेट रखें 213, 215 और 220 के। ठीक है, तो ये टारगेट आपके लिए नेचुरल गैस के ऊपर। कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं जहां पर एक्शन किस तरह का रहेगा, इस पर हम लगातार आपको बता रहे हैं। एग्री में आज ग्वार में भी तेजी तो थी लेकिन रफ्तार मार्केट नहीं पकड़ पाया, तो ग्वार पर अभी क्या व्यू है आपका सचिन जी, क्या लगता है ग्वार का प्राइस आगे? रतन जी, ग्वार सीट की अगर बात करें तो हमें लगता है एक बार दायरे का ही ट्रेड चल रहा है, रफ्तार जरूर पकड़ी थी बट सस्टेन हायर लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर नहीं आया। हमें लगता है एक बार डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है सकता है इसके अंदर। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 3950 के, वो लेवल पर एक इमीडिएट सपोर्ट वहां पर नजर आ रहा है। 3950 के लेवल्स पर होल्ड करता है तो वापस से एक बार अप्रैली देखने को मिल सकती है जो कि प्राइस को 4100-4150 तक के लिए लेके जा सकते हैं। ओके, जैन साहब हैं एमपी से, पूछिए जैन साहब। अग्री जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ओके, कैस्टर का मार्केट अभी राजीव जी आपको कैसा लग रहा है, कैस्टर का मार्केट? मृत्युंजय जी, जिस तरह से बाकी एग्री कमोडिटीज में अपवर्ड रुझान बना है और उसके बाद एक करेक्शन लिया है बाजार ने ऊपरी स्तरों से और फिर से वो ऊपर का जो मार्केट है अपसाइड का जो ट्रेंड है वापस रिज्यूम होते हुए दिख रहा है, मुझे कैस्टर में भी सेम मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लगता है कैस्टर भी ऊपर में 5400-5450 का दाम दिखा सकता है आने वाले एक या दो दिन में। अगर कैस्टर 5200 के आसपास मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। इसमें मृत्युंजय जी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5120 का। ओके, अगला सवाल है रमेश पटेल का, पूछिए पटेल साहब। सर मेरा निकल पे सवाल है, अभी इस करंट रेट में इस पोजीशन पे बाय कर सकते हैं? करंट रेट में क्या निकल में अभी बाइंग करना ठीक है क्या राजीव जी, बताइए। मृत्युंजय जी अभी करंट रेट पे तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस के पास बाजार पहुंच गया है जो कि 1280-1285 का स्तर है। मैं मे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी 1275 के आसपास का दाम है, तो मे कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 1270 के आसपास दाम आए तो वहाँ खरीदना चाहिए, 1264 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 1284 का इसमें टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी आपकी पहली कॉल। सर सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 68,500 पर, 68,100 के स्टॉप लॉस से 69,200 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल सचिन जी। मृत्युंजय जी कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी मे वायदा में, लेवल्स यहाँ पे थोड़ी सी रिवाइज करने चाहेंगे, करंट मार्केट प्राइस से बाइंग पोजीशंस लेने की सलाह रहेगी, डाउनसाइड में 752 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, हाई साइड में हमें लगता है 765-768 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी हमारी भी आखिरी कॉल जो है कॉपर में ही है, मई वायदे को खरीदना चाहिए अराउंड 756-755 के पास और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 751 का, ऊपर में वापस से टारगेट दिखते हैं 765-770 के। ओके, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका और अखिलेश जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।